अवाम तो भूखा छोड़ ड्रोन बना रहा पाकिस्तान। खाने के पड़े लाले, ड्रोन बनाने में लगा पाकिस्तान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पाकिस्तान जहां कंगाली से हाल बुरा है, लोग कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहे हैं, नौकरियों से लोगों को निकाल दिया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान में अपने लोगों को देखने की बजाय वहां की हुकूमत हथियार जुटाने में लगी हुई। वैसे तो पाकिस्तान के पास कोई तगड़ा और मजबूत हथियार है नहीं, और वैसे भी अपने घिसे पिटे और खोखले हथियारों को वो दिखा दिखा कर थक भी गया है। अरब देशों से पैसा लेकर देश चला रहा पाकिस्तान और वहां की हुकूमत, वहां की सरकार तुर्की और चीन से हथियार की भीख भी मांगते हैं। कभी तो हथियार मिल जाते हैं तो कभी हथियार बनाने का साथ मिल जाता है। इस सब में अब पाकिस्तान वायुसेना AI पर आधारित स्वदेशी मानव रहित विमान विकसित करने की परियोजना पर काम कर रही है। इसका खुलासा पाकिस्तान वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने किया है। इस अभियान में चीन और तुर्की भी पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान ने चंद दिनों पहले ही कराची एक्सपो सेंटर में चल रहे अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और सेमिनार आइडियाज 2024 में हिस्सा लेकर अपने 12वें संस्करण के दौरान शाहपार 3 ड्रोन को लॉन्च किया। 4 साल से ड्रोन बनाने में जुटा पाकिस्तान अब यह चाहता है कि AI आधारित ड्रोन जल्द से जल्द बनकर तैयार हो। एयर कमोडोर डॉक्टर सलमान असलम, जो पाकिस्तान वायुसेना में सेंट्रल वॉर इंटेलिजेंस और कंप्यूटरिंग के प्रमुख हैं, उन्होंने आइडियाज 2024 के दौरान द एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बात करते हुए कहा, पाकिस्तान वायुसेना ने AI आधारित परियोजना की शुरुआत लगभग 4 साल पहले की थी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की शुरुआत इस विचार के साथ की गई थी कि हवा में एक मानव युक्त युद्धक विमान आकाश में कई मानव रहित लड़ाकू विमान के साथ संचार और संचालन करेगा। मानव रहित विमानों की संख्या 1500 या फिर 1000 हो सकती है। अब यह देखना होगा कि पाकिस्तान इन हालातों के बीच कैसे इतने ड्रोन तैयार कर पाता है। जैसा पाकिस्तान सोच रहा है कि 1000 की संख्या में ड्रोन बनाए जाएंगे, सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान की यह सोच तुर्की और चीन को पसंद आएगी? क्या चीन जो कॉरिडोर बनाना चाहता है वो कामयाब उसमें नहीं हो पा रहा, और वो इन हथियारों के लिए, इन ड्रोन्स के लिए पाकिस्तान की मदद अब और करेगा? ये देखने वाली बात होगी। कब तक पाकिस्तान इन दोनों मुल्क या फिर अरब देशों के और मुल्कों पर पलता रहेगा, ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, और देखते रहें एनएमएफ न्यूज़।